लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गधे कुत्ते, कोई दिन मैं तेरी गर्दन मरोड़ के जान ले लूंगा तेरी। कभी गरम चाय में मेरी उंगली डाल देता है, कभी फ्रिज का ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल देता है। अबे तू मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा कुत्ते? अच्छा कुत्ता बोलता हूं तो भड़कता है? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो मेरे नालायक बेटे तुझको उठाकर लेकर आए और मैं तेरी हिरनी जैसी सूरत देख के धोखा खा गया और तुझे घर में रख लिया। मगर मंगूस की औलाद, मुझे पता नहीं था कि तू जिसका नमक खाएगा एक दिन उसी को दांत दिखाएगा। बेओ खुसट, मैं तुझसे बोल रहा हूँ। चल अभी मत इधर, मैं तुझसे बात नहीं करता। गल मसाला लाने के लिए गोद में आके बैठ गया। ए बेटा तुझे जमाई आ रही, मेरी बात तो सुन ना, तू थोड़ा सुधर जाना। वैसे ही अपना नालायक बेटों से परेशान रहता हूँ, तो सुधर जाएगा ना तो मेरे दिल का आधा बोझ उतर जाएगा। सुधर जाएगा ना बेटा, सुधर जाओगे ना। जा जा बेटा जा। देखो नालायक सुसु करके चला गया। अरे छोड़ ना माँ, 10:30 बज गए, ये तेरे नालायक पोते अभी तक बिस्तर में पड़े हुए होंगे, आंख तक नहीं खुली होगी उनकी। तू बात है या सांप? हर बात पे मेरे पोतों को नशे के लिए फन फैलाए खड़ा रहता है। अरे वो तो कब के कॉलेज चले गए। क्या चले गए? हाँ आज क्या कहते हैं उनका वो रिजल्ट है ना, इसलिए। पर मैं एक बात समझ में नहीं आई, ये कौन सी मिट्टी के बने हुए तेरे पोते? शरारत में 1 नंबर तो पढ़ाई में भी 1 नंबर, हमेशा 90% 95%। साहब गुन्नू और मुन्नू के कॉलेज से फोन आया है। हेलो, यहाँ बोल रहा हूँ। नहीं मगर अच्छी बात है। अच्छा जी कमाल, ये प्रिंसिपल साहब परसों तो नाश्ते पाए थे, आज मुझे कॉलेज मिला वो भी पहली बार। अरे बुद्धू इस बार पहले से भी ज्यादा नंबरों से पास हुए होंगे मेरे पोते। हाँ मतलब क्या 95 से भी ज्यादा ले लिए? एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल साहब का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर। शुक्रिया। लेकिन सुनिए क्या बात है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। आप कैसे प्रिंसिपल हो सकते हैं? व्हाट डू यू मीन? नहीं गुज़िश्ता 2-3 साल से तो कोई और प्रिंसिपल साहब मेरे घर पर आ रहे हैं। लेकिन आप कौन है? जी मेरा नाम हसमुख राय और मैं बुन्नू और मुन्नू का डैडी हूँ। आप मुन्नू और बुन्नू के डैडी? जी आपको कोई शक है? क्योंकि पिछले 3 सालों से जिस आदमी को अपना डैडी बना के ला रहे हैं वो कोई और आदमी। और मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको बता सकूं कि मैंने आपके दोनों बेटों को कॉलेज से निकाल दिया है, वो इसलिए कि पिछले 3 सालों से वो लगातार फेल होते चले आ रहे हैं। कैसी बात करते हैं सर? वो तो बहुत हाई रैंक और 90% 95% ऊपर मार लेते हैं और आप कहते हैं। दरअसल आपके बेटों ने आज तक अभी 9% से ऊपर मार्क्स लिए हैं। जी अशोक विजय कम हियर, देखिए इनको देखिए, हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट, इस साल दोनों ने 98% मार्क्स लिए। इनके साथ मारपीट करके आपके बेटे इनकी मार्कशीट छीन कर ले गए और मेरे ऑफिस से बेस्ट स्टूडेंट की शील्ड वो भी चुरा कर ले गए। अब समझाओ मार्कशीट और शील्ड वो दोनों कहां से लाते हैं? मुन्ना डैडी हमें गले से लगा लीजिए ना डैडी, जानते हैं इस बार हम लोग कितने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। 98% और ये देखिए मार्कशीट। मेरे लाल सिर्फ एक सवाल गलत हो गया। अरे रे रे, वरना 100 में से 100 मिल जाते ना तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता मालूम। अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या चीज है, आज देखना आज तो बहुत कुछ टूटने वाला है। अरे लो प्रिंसिपल साहब भी आ गए, लगता मुझे मुबारकबाद देने आया। आइए सर आइए। मुबारक हो राय साहब, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। क्या औलादे पैदा की है आपने। अरे ये दोनों तो हीरे हीरे नगीने,
आपके घर की आन, हमारे कॉलेज की शान। बहुत ज्यादा तो मुझे अच्छा लग रहा है, बोलिए सर। मैं किसी से कहता हूँ कि मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? वही कॉलेज जिसमें मुन्नू और पुन्नू पढ़ते हैं। मार्कशीट देखी आपने? मार्कशीट देखी 98%। मिठाई खिलाइए राय साहब इस बात पर। तो सर आपको तो मिठाई खिलाने के लिए मैं सुबह से बेकरार हूँ। चलिए ऊपर चलिए। आप सिर्फ प्रिंसिपल साहब को मिठाई खिलाएंगे? हाँ, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोगों ने खिलाए। नहीं बेटा, ये बुजुर्ग है ना, पहले इनका हक होता है, इनका थोड़ा पेट भर दूं, उसके बाद तो तुम दोनों की ही बारी है। मुबारक जी दे रहो, शाबाश। ऊपर तशरीफ ले चलिए। राय साहब, मैं जानता हूँ कि कुछ साल पहले आप बॉक्सर थे, मगर इस वक्त ये ग्लव्स क्यों पहन रहे हैं आप? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि पहले आप चोर थे और पिछले 3 साल से कॉलेज में मेरे बच्चों के बाप बन के जा रहे हैं, और पिछले कई साल से यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आज के बाद किसी और के बच्चों का बाप बनना तो एक तरफ, आज के बाद तुम्हें खुद के बच्चों का बाप बनने में भी शर्म आएगी। डैड, आपने हमारे प्रिंसिपल साहब को मारा? अब उनके स्टूडेंट्स का नंबर है। नहीं डैड। अरे क्या कर रहे हो मोरे लाल को? तोरे लाल को नीला कर रहा हूँ। हसमुख। अरे कहाँ है कहाँ हसमुख? ये चेहरे से हंसी 3 दिन गायब हो गई थी, जब ये हरामखोर पैदा हुए थे। तुमको खबर है, ये हरामखोर पिछले 3 साल से लगातार फेल हो रहे। क्या? हाँ, ये जो शील्ड 9 इंची नहीं है वो चुरा के लाए, और जो मार्कशीट है वो भी इनकी नहीं है। एक बढ़िया स्टूडेंट से छीन के लाए हरामखोर। चोरी के? हाँ, ये देखो इनकी असली मार्कशीट हम दिखाते हैं। ये इसको 9 मिला है, इसको 10 मिला है, तो एक नंबर ज्यादा मिला है। मत पहले उसको सच बोल रहा है वो। अरे अगर आप बोल रहे हैं तो अरे बहुत ज्यादा है, बंदूक आ गई बाप। गोली तो नहीं लगी? ओ भाई साहब, कहाँ घुस जा रहे हो? लाइन में आवा। मैं कोई सिनेमा का टिकट खरीदने नहीं आया हूँ, दो लाइन लगाओ। अपना कर्ज वसूल कर रहा हूँ, उधार दिया बुल्लो और मुन्ने को। अरे हाँ मुच्छड़ की औलाद, एक तो उधार देकर मेरे बेटों को बर्बाद करता है, ऊपर से ऊंचे सुर में बात करता है। अरे और तुम लोग ये क्या भिखारी की तरह लाइन लगा के खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से, एक पैसा नहीं दूंगा किसी को। आउट आउट। अरे भाइयों, ये तो अपने बेटों से भी बड़ा चालू है। जूता मारूं और खींच के अभी? अरे खुद भिखारी है, दूसरों को भिखारी कहता है? तेरा बाप भिखारी? अरे ये तो नंगा आदमी है, नंगा। इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपने पैसे बुन्नू और मुन्नू से ले लेंगे। चलो चलो। हसमुख रॉय ऐसे मेरे बेटे हर रोज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। ये 2 टके के लोग मेरे घर पे आते हैं और मेरे लिए मुर्दाबाद के नारे लगा के चले जाते हैं। शहर में एक दुकान ऐसी नहीं बची जहाँ से उन्होंने उधार नहीं लिया हो। 800 रुपए की सिगरेट पी जाते कम वक्त। अरे 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 अरे, हिम्मत से काम ले हसमुख, हिम्मत से काम ले। अरे जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा ना तुझे। अरे क्या बोया जो मैं ये दिन काट रहा हूँ यार? सुखी तो तू है जो भगवान ने तुझे एक बेटी दी है, मुझे भी अगर 2 बेटियां देता ना तो मैं सुखी हो जाता। हाँ जरूर सुखी हो जाता। तुझे 2 बेटों की जगह 2 बेटियां मिलनी चाहिए थी, जैसे तेरे 2 बेटे वैसी। फिर तेरा सफेद मुंह काला हो जाता और तुझे फांसी लगाकर खुदकुशी करनी पड़ती, और तेरी लड़कियां सारे शहर में आग लगा। अबे तेरे को शर्म है कि नहीं? कुछ भी बकवास करता रहता है। अरे हाँ का पट्टा जगा के लिए आया था। हाँ मैं काय के लिए आया था? मैं कुछ काम के लिए आया था, लेकिन मैं भूल गया मैं किस लिए आया था। अबे तू अपना इलाज करा, क्यों पुलिस डिपार्टमेंट का सत्यानाश करता है यार? अच्छा प्रिया बेटी कैसी है? अरे हाँ याद आया, उसी के लिए तो आया था मैं। हंसता भी ऊपर से। प्रिया बेटी सहेली के साथ संगमपुर गाँव गई है, 2 दिन में आने वाली थी, वो अभी तक नहीं आई, इसीलिए तो जा रहा हूँ। तेरी वो बड़ी वाली कार चाहिए मुझे, बड़ी वाली। एक मिनट। क्या हो गया? बड़ी वाली कार? बड़ी वाली कार में तू बेटी को लाने जा रहा है या अपनी महबूबा को मिलने जा रहा है? अबे खुसट शर्म कर, इस उम्र में तू महबूबा पालता है, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तूने उसे देखा नहीं है। मुझे देखना भी नहीं है। देखने से पता चलता है कि तूफान को किसी कपड़े में कैद करके रखा है। तंबू के जैसे? अरे तंबू नहीं, कयामत है कयामत। शॉर्टकट में एक बात बोलो, तू उसे देखेगा ना तो तेरी भी नीयत खराब हो जाएगी। मेरी? मैं तेरी तरह खोखला नहीं हूँ। अच्छा, उसूलों वाला आदमी हूँ। मैंने आज तक किसी औरत की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा है। अरे देखेगा अभी कैसे, तेरे बच्चे तुझे दूसरी तरफ आंख उठाकर देखने का मौका देंगे, तब देखेगा ना तू। ये बात कहूं दोस्त? क्या? मेरे बेटे लाख बदमाश सही, लाख शरीर सही,
मगर वो रहते हैं तो इस घर में रौनक रहती है, चले जाते हैं तो ये घर काटने को दौड़ता है। 7 दिन हो गए चले गए तो अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे वो लोग। अरे यार डैडी डैडी, तो फिर आ गया बदमाश। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मुझे मारना चाहता है मार लीजिएगा, मगर पहले बुन्नू को बचाइए, उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। क्या? हाँ, और उसकी याददाश्त चली गई है। बैलन की चोरिया गाँव की गोरिया जाने मन की बतिया हमारू। बच्चे क्या हो गया तुझे? एक मिनट ठहर जरा, यार ये कैसा एक्सीडेंट है, चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अंदरूनी चोट लगी है, गाड़ी सीधी भेजे पर चढ़ गई और ये बेचारा पागल हो गया। और हम पागल नहीं हुए। देखिए सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे चाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे ही खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं, रात में जाओ रात में। अब बड़ी कलेजे में ठंडकते रहे और मार इसे। अरे माँ, मैं कोई लोगों को दुश्मनी से थोड़ी मारता रहता हूँ, औलाद ज्यादा बिगड़ने जाए इसलिए मार देता हूँ। क्या अब भी विश्वास नहीं करेगा? जा डॉक्टर को बुला जा। नहीं नहीं, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता भी करता हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरे मुन्नू, क्या हो गया तुझे? कहाँ है तुम्हारे साहब? आप ही मिस्टर हसमुख हैं? आप ही मिस्टर हसमुख हैं? जी हाँ, फरमाइए। मैं आपसे शिकायत करने आई हूँ। मुझसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? गलती आपके बेटों ने की है। जानते हैं उन्होंने क्या किया है? पिछले 7 दिनों से उन्होंने मुझे और मेरी भांजियों को बेवकूफ बना रखा है। वो तो ठीक है मुन्नू, मगर पागल की एक्टिंग करते करते कहीं मैं सचमुच पागल ना हो जाऊं रे। तू हो या ना हो, डैडी जरूर पागल हो जाएंगे। डैड देख देख, बुन्नू कुछ याद आया, ये डैडी है। डैडी? ये डैडी का होता है? डैडी मेरे जैसा होता है बेटे, एक बहुत बड़ा गधा होता है जो अपनी औलाद का बोझ अपने सर पे उठाता है। कुछ याद आया बेटे? नहीं डैडी, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत थक गया होगा ना बेटी, नीचे आ जाओ, सब याद आ जाएगा। आ जाओ। बेटा ऊपर लेकर आता है, बाप नीचे लेकर जाता है, तो चलो नीचे चलते हैं। हम किस तरह करते हैं क्या? धीरे धीरे रे संभाल के संभाल के। कुछ याद आया? नहीं। तो फिर ये तेरी आंखें क्यों फैल गई? बस यूं ही फिर गई डैडी। डैडी, आधी याददाश्त वापिस आ गई ना? आधी मैं वापिस? नहीं नहीं नहीं, नहीं डैडी, मरीज को मत मारो। मरीज? अरे मरीज तो मैं तुम दोनों को। आंटी जी, हम लोगों ने जो गलती की उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। हमारे डैडी बहुत गर्म है, आप उन्हें ठंडा कर दीजिए ना प्लीज। क्या? इस बार बड़ी मुश्किल से घर में घुसा है आंटी जी, कुछ कीजिए वरना डैडी हमें फिर से घर से निकाल दे। यही सजा है तुम लोगों कि तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। और तुम लोग भूखे प्यासे सड़कों पे ठोकरे खाओ। मैम साहब, इतने गए गुजरे भी नहीं हम लोग, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं। तो सुनो बेटा, आज के बाद मेहनत तो मजदूरी करके तुम अपना पेट पालना। ये आप बोल रहे? तुम 2 रुपया मुझे कमा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों। आप हमें चैलेंज कर रहे हैं? हाँ चैलेंज कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितने निकम्मे और नाकारा तुम लोग, और फिर इतने शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में जाकर इतनी घटिया हरकत की शर्म नहीं है तुम लोगों को? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, हम लोग उनसे प्यार करते हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम डैड? अब अल्फाज नहीं मिल रहे तो जाने दीजिए ना। अच्छा क्या बोला? निकल निकल बाहर। ए डैडी, हम कोई कचरा नहीं है जो आप घड़ी घड़ी उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। अबे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, जो मेरे हुक्म में नहीं चलता वो बाहर जाता है। आपका घर? डैडी आज तक हम इसे अपना घर समझते रहे, मगर आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आंखें आज से हम अपने पैरों पर खड़े रहकर दिखाएंगे। आप हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, तब भी हम वापस नहीं आएंगे। इस वादे पे अटल रहना। मैं तो मजाक कर रहा था। ओके 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 आंटी, बाप और बेटों के बीच दीवार खड़ी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चल बजरंगी।
देखा बंदर समझता है लेकिन आप नहीं। डेरे डेरे रे।